नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए आज सबसे बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में सिपाही पद के लिए सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 17 और 18 फरवरी को परीक्षा का आयोजन किया गया है। 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा होगी। भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। पिछले दिनों इस भर्ती का आदेश जारी हुआ था, लेकिन आयु में छूट की मांग तेज होने के बाद भर्ती को निरस्त कर दिया गया था। तो आयु में छूट के बाद फिर से यहां पर आदेश जारी किया गया है। पुलिस महकमे में 60,244 पद पर भर्ती सिपाहियों के 60,244 पद पर भर्ती। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया है। ऋषभ, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है और अब यहां पर 17 और 18 तारीख को लिखित परीक्षा होगी? जी बिल्कुल अनुपम, भर्ती बोर्ड की ओर से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। यूपी पुलिस भर्ती रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर इसको देखा जा सकता है। 17 और 18 फरवरी को इस सिपाही भर्ती की सबसे बड़ी परीक्षा की लिखित परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको चाहिए कि वो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर लगातार ध्यान बनाए रखें। उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से ही डाउनलोड किए जा सकेंगे। कई चरणों में परीक्षा पूरी होनी है। पहला चरण लिखित परीक्षा का है जो 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के अलग अलग जिलों में आयोजित होगी। जो इन परीक्षा को पास कर लेंगे इसके बाद उनका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा, फिर उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद दौड़ की परीक्षा होगी जो अंतिम होगी। इन सभी परीक्षाओं को जो पास कर लेगा उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट के हिसाब से ही 60,244 जो सफल अभ्यर्थी होंगे मेरिट में सबसे ऊपर, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। अनुपम, बिल्कुल, जाहिर तौर पर हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से इससे पहले जो भी भर्तियां निकली हैं उनमें भी बहुत सारे आवेदन आए थे, तो ऐसे में माना जा रहा है कि 60,244 पद हैं। ऐसे में युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े में शामिल होने का। जी हाँ बिल्कुल, देखिए एक ये बड़ी खुशखबरी है। युवा काफी समय से इंतजार कर रहे थे, एक कोविड का लंबा पीरियड चला जिसके चलते जो भर्तियां प्लान की गई थी वो नहीं हो पाई हैं, लेकिन सरकार ने प्रक्रिया में तेजी लाई है और ये सबसे बड़ी भर्ती मानी जा सकती है जिसमें 60,244 युवा उत्तर प्रदेश पुलिस के हिस्सा बन सकते हैं और कोशिश की जा रही है हर तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम योगी पहली बार गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में सीएम योगी का जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर गोरखपीठ तक 20 जगह पर सीएम योगी के स्वागत की व्यवस्था की गई थी। सीएम के गोरखपुर पहुंचते ही लोग स्वागत के लिए उमड़ पड़े। भीड़ के बीच सीएम का काफिला गुजर रहा था। लोग सीएम योगी के स्वागत के लिए सड़क किनारे खड़े हुए थे। सीएम के काफिले पर फूलों की बारिश हो रही थी। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम गोरखपीठ पहुंचे। मंदिर में पहुंचते ही सीएम योगी सबसे पहले अपने गुरुदेव की प्रतिमा के पास गए। सीएम ने अपने गुरुदेव का दर्शन पूजन किया और उन्हें रामनामी अंगवस्त्र ओढ़ाया। तो ये 5 तस्वीरें रामकाज के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। वो तस्वीर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शंख ध्वनि से स्वागत यहां पर हुआ। शंख ध्वनि बजा करके वहां पर स्वागत किया गया। मंदिर में भव्य स्वागत हुआ फूलों के साथ और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूजा की। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बदायूं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इथेनॉल प्लांट की सौगात दी है। प्लांट के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर एक बार फिर से निशाना साधा। सीएम ने कहा कि जो प्रदेश पहले दंगों के लिए जाना जाता था उसकी पहचान आज उत्सव से हो रही है। जो विकास हो रहा है वही रामराज्य है। अभी 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। प्रभु राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आप सबने देखा होगा, देखा है ना? अयोध्या का कार्यक्रम अच्छा लगा? सभी लोग सहमत थे ना?
भाइयों बहनों, ये अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो था ही, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम था, भारत के गौरव, भारत की जनास्था का, भारत के जन विश्वास की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम था। जब सरकारें अच्छी होती हैं, लोक आस्था का भी सम्मान करती है, जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए लोकतंत्र में उन भावनाओं का सम्मान करती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए 11 सीटों का ऑफर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सीटों का ब्यौरा भेजकर इनमें से 11 सीट चुनने का ऑफर दिया गया है। एसपी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर कई बार बातचीत हो चुकी है, अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। अखिलेश यादव ने लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से शुरुआत हुई है, ये हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत है। ये सिलसिला जीत के समीकरण से आगे बढ़ेगा और इंडिया और पीडीए इतिहास बदल देगी। पार्टी ने जब भी किसी से गठबंधन किया है, बड़े दिल के साथ किया है, पूरे सम्मान के साथ करा है। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी से पहले ही सीटों का बंटवारा कर लिया था और अब कांग्रेस से भी जो सीटों की बंटवारे की बात थी वो लगभग फाइनल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है और हमने मिल के एक संदेश पूरे देश में दिया है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है। और तरह तरह की अटकलों के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरएलडी ने जो गठबंधन करके वो संदेश दिया है वो इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेगा। देश के दूसरे हिस्सों में भी जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें मिलने की बात पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि अभी सीटों को लेकर बातचीत चल रही है, जल्द ही निर्णय सबके सामने आएगा। नहीं, अभी ये बातचीत चल रही है। हाँ, बातचीत चल रही है और बहुत जल्द इस पर निर्णय आप सबके सामने आएगा, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बहुत ही अच्छे वातावरण में बात हो रही है। हमारे जो कमेटी बनी है मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारे महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी भी उसमें हमारे हैं, वो पूरी बातें कर रहे हैं, अब बहुत जल्दी इसका परिणाम सामने आएगा। लेकिन 11 सीटों से संतुष्ट हैं क्या कि और? नहीं, अभी उन्होंने लिखा है, आप पढ़िए उसमें कि वो बात बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हमारी चल रही है, तो आगे चल रही है और इसका परिणाम बहुत जल्द सामने आएगा। निश्चित तौर से हम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही अभूतपूर्व परिणाम और बहुत ही मजबूती के साथ उपस्थिति दर्ज कराएंगे। वहीं कांग्रेस को अखिलेश के ऑफर पर ओपी राजभर ने क्या प्रतिक्रिया दी, यह आपको सुनाते हैं। चूक गए, ओम प्रकाश राजभर की बात ये नहीं माने। जब मैं उनके साथ था, जब नीतीश जी ने साथ छोड़ा, तभी मैंने उनसे कहा कि आप हो गए, हम हो गए, तेजस्वी जी हो गए, नीतीश जी, एक रैली बनारस करो या बस्ती करो, इलाहाबाद करो, उत्तर प्रदेश में कहीं करो और नीतीश जी को नेता बना दो, प्रधानमंत्री का चेहरा। उसके बाद एक कार्यक्रम करने के बाद जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं उनसे हम बारी बारी मिलते रहें, रैली करते रहें। उस समय तो अखिलेश को याद नहीं आया, उस समय तो सोए हुए थे कुंभकर्ण की नींद। आज 11 सीट दे करके काँप आएंगे। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन में चुनाव लड़ना जरूरी है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को निजी बताया। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है, पहले वो बीजेपी में ही रहे हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए हैं। शिवपाल ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से हुए नुकसान को हम सब पूरा करेंगे। पार्टी के एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो लगातार अभी उन्होंने एक भाषण दिया था उसको लेकर भी अच्छा उन्होंने कहा, देखिए व्यक्तिगत, लेकिन आप ही के पार्टी के एक बड़े नेता ने भी वो कहा है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। देखो उनका व्यक्तिगत है, जो भी बोलते हैं व्यक्तिगत बोलते हैं, नुकसान तो हम लोगों ने तो कई बार बोल चुके हैं। सर ऐसा नहीं लगता कि इन सब बयानबाजी से नुकसान समाजवादी पार्टी का हो रहा है? देखिए
बहुत सारे नुकसान को हम लोग पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सुब्रत पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब है परिवार डिफेंस अलायंस, यानी परिवार बचाओ गठबंधन। मैं तो पहले ही कहता था कि अखिलेश यादव के पीडीए का अर्थ है परिवार डिफेंस अलायंस, यानी परिवार बचाओ गठबंधन। अब जिस प्रकार से नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन को छोड़ने की जो चर्चा आ रही है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये सिर्फ परिवारवादी लोगों का ही गठबंधन रह जाएगा। अखिलेश, लालू प्रसाद और गांधी परिवार के पीडीए का अर्थ पिछड़ा दलित अगड़ा है। कभी बोलते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, लेकिन पीडीए में पी और डी माने पिछड़ा और दलित तो पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, और आज पिछड़ा दलित शोषित वंचित तो इनके कारण से ही। मेरठ में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस को देखते ही आरोपी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। यहां पुलिस को देखते ही आरोपी ने हवाई फायर किया, इसके बाद खुद पर पिस्टल तान दी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में पुलिस और बदमाश आमने सामने दिख रहे हैं। वीडियो में पुलिस ने बदमाश को चारों ओर से घेर रखा है। राशिद नाम का एक आरोपी पिछले काफी समय से फरार चल रहा था। दिल्ली गेट पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की, लेकिन बदमाश ने हवाई फायरिंग के बाद खुद पर पिस्टल तान दी। मशक्कत के बाद एक सिपाही ने आरोपी रशीद को धर दबोचा। देखिए, थाना दिल्ली गेट में कल शाम को एक मुकदमा लिखा गया था 13/24, जिसमें धारा 323, 504, 506 लिखा गया था। इस संबंध में जो थाना दिल्ली गेट पुलिस थी वह कोतवाली क्षेत्र में एक बनिया पहाड़ जगह है, वहाँ पे एक दबिश पे गई थी इसमें राशिद नाम के व्यक्ति को पकड़ने के लिए। जैसे वहाँ पे पुलिस गई है, पुलिस को देखते ही इसने अपने इसके पास दो तमंचे थे, इसने अपने सिर पे तान लिए और अपने आप को जान से मारने की कोशिश, मतलब धमकी दे रहा था पुलिस को, अगर आप हमारे दो जो व्यक्ति हमें नहीं पकड़े छोड़ेंगे आप उनको तो मैं अपने आप को मार लूंगा। ये धारा 307 जैसा कि अभी निश्चित पता चल रहा है, इसमें 307 और 3/25 में ये जा चुका है जेल पहले भी। इसने खुद भी कबूला है कि मैं दो बार जेल जा चुका हूं। खबर गोंडा से है। एक युवक का शव रेलवे लाइन के पास पड़ा मिला है। युवक एक निजी अस्पताल में काम करता था और परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर ही हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंकने का आरोप लगाया है। सर्कुलर रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल के संचालक और सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर दीपक सिंह पर हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि शराब और सिगरेट लाकर न देने पर डॉक्टर ने अपने गुर्गों से पिटवाया और फिर हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक अंकित के हाथ और पैर की कई हड्डियां टूटी मिली हैं और उसके सिर और गले पर भी गंभीर घाव पाया गया। पीएम राजकीय रेलवे पुलिस ने डॉक्टर दीपक सिंह और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और शव छुपाने का मुकदमा दर्ज किया है। बहराइच में 16 साल के लड़के को बंदर ने छत से धक्का दे दिया, जिससे लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रामपुर धोबिया गांव की है। लड़के की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। आगरा में नाले की सफाई के दौरान एक बच्चा जेसीबी मशीन की चपेट में आ गया, जिसके बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर में एक नाला है जिसकी सफाई चल रही थी, इसी दौरान एक बच्चा मशीन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। नाम है इसका। क्या कहाँ रहते हो आप? नाला भड़ाम सैयद में। ठीक है, रघुनाथ के पास में है नाला भड़ाम सैयद। तो ये आपका बच्चा बड़ा था? बड़ा है। अच्छा। महोबा के पत्थर मंडी में 3 क्रशर फर्मों से 4 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस सर्विलांस टीम ने नकदी लेकर विदेश जाने की फिराक में बैठे धोखेबाज मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। मैनेजर के पास से फर्जी कागजात, 1,09,00,000 का चेक भी बरामद किया गया है।
देखिए ये 10 तारीख को 10 जनवरी को एक रश्मित मल्होत्रा जी जो कि एक खनन व्यापारी हैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करते, इनके द्वारा बताया गया कि इनका मुंशी जो कि 3-4 साल से इनके साथ कार्यरत है वो इनके साथ लगभग 4 करोड़ की धोखाधड़ी करके वो बहुत सारा कैश भी लेकर फरार हो चुका है और महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन की कार्रवाइयां करते हुए इसको पकड़ के जेल भेजा गया और इसके पास से 1 करोड़ से भी अधिक पैसा बरामद करने में पुलिस कामयाब रही है। और इसका आज क्रशर व्यापारियों ने बहुत इनको अच्छा लगा है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, महोबा पुलिस के प्रति इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसी के क्रम में आज महोबा पुलिस का इन सभी के द्वारा सम्मान भी किया गया है, इसके लिए मैं इनको बहुत दिल से शुक्रिया कहती हूँ। लखनऊ में ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री में डकैती पड़ी है, सुरक्षाकर्मी समेत 6 कर्मचारियों को बदमाशों ने बंधक बना लिया। लुटेरों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर करीब 60 लाख रुपए का कॉपर वायर गाड़ी में भर कर ले गए। पुलिस डकैती की FIR दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामला चिरहट इंडस्ट्रियल एरिया का है। थाना चिरहट की चौकी अप्रॉन में 26-27 जनवरी की रात में ये घटना हुई है, जिसके क्रम में यहाँ फैक्ट्री मालिक बालाजी ट्रांसफार्मर्स के फैक्ट्री मालिक संजीव अग्रवाल ने तहरीर दी है थाने को। जो अभी तक इन लोगों ने जानकारी जो यहाँ पर थे 6 कर्मचारी उनसे बात करी गई, तो उनके बात करने से और यहाँ मौके पर साक्षी देखने से समझ आया कि पहले जब इनको बंधक बनाने के लिए लोग आए हैं उसके बाद बाद में पीछे से कोई गाड़ी भी आई है जिसमें सामान लाद करके ले जाया गया। गाड़ी क्या है उसके बारे में हम लोग सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, सीबीआई उसका खुलासा कर रहा है। सहारनपुर में देर रात बदमाशों ने तमंचे के बल पर परिवार को बंधक बनाया और लाखों की लूट को अंजाम दिया। बदमाश घर में रखे 1 लाख कैश सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मामला मदनपुर कॉलोनी का है। SSP सहारनपुर ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गंभीरता से जाँच की जा रही है। थाना मंडी में कल देर रात में एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना हुई है, जिसपे कि उन्होंने आज सुबह थाने पर बताया। थाने पर सभी वरिष्ठ अधिकारी गए, घटना स्थल का मुआयना किया गया है। इसमें 4 अभियुक्तों द्वारा करीब 1.25 लाख रुपए की लूट होना बताया गया है, जिस पर की मुकदमा दर्ज करवाया गया है और शीघ्र ही इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया जाएगा। बागपत में तेंदुआ खेत पे लगे कंटीले तारों में फंस गया। वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने तेंदुए को कड़ी मशक्कत कर बचाया है। तेंदुए का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। माना जा रहा है कि रात में तेंदुआ जंगल में घूमने आया होगा, तभी कटीले तारों में पंजा उलझने के चलते वो फंस गया। सुबह जब किसान खेतों में काम करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने तेंदुआ तारों और झाड़ियों में फंसा हुआ देखा। तो खेत में लगे कटीले तारों में फंसा तेंदुआ, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तेंदुए का वहां पर रेस्क्यू किया गया। कटीले तारों में वहां पर तेंदुआ फंस गया, वो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। खेत में लगे कटीले तारों में तेंदुआ वहां पर फंस गया। हाथरस में जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की रामकथा का आयोजन चल रहा है। यहां पर जगतगुरु ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए वो खुद कोर्ट में गवाही देंगे और साक्ष्य भी देंगे। राम जी ने अपने अपमान का बदला ले लिया। भगवान कृष्ण को भी मुरली फेंक करके सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा। न्याय के लिए बिल्कुल न्यायालय से लेंगे और मथुरा भी न्यायालय से लेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है। जी, राम मंदिर में आपकी गवाही बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई, कृष्ण मंदिर के लिए जब अगर मथुरा की जब बात आएगी तो आप क्या कहेंगे? क्या नहीं, बिल्कुल गवाही देंगे, सफल होगा, चकाचक होगा। जी, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं किसी भी कृष्ण मंदिर में नहीं जाऊंगा, देश का कोई सा भी। हाँ, जब तक कृष्ण भगवान, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं और हिंदुओं का अपमान अब नहीं सहूंगा। मुझे बहुत बुरा लगा, ब्रज से 7 साल ठाकुर कठमल्लों को डर से चले गए और राम जी ने अपने अपमान का बदला ले लिया। अब कृष्ण भगवान को भी मुरली फेंक के सुदर्शन चक्र लेना पड़ेगा। मथुरा से खबर, पुलिस ने किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को शाही ईदगाह जाते समय रोक दिया। शाही ईदगाह जाने से पहले पुलिस ने उन्हें वृंदावन में ही नजरबंद कर दिया।
बता दें कि इमांगी सखी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए शाही ईदगाह की सीढ़ियों पर जाने की बात कही थी। उन्होंने शाही ईदगाह के एसआई सर्वे पर रोक का भी विरोध किया है। शाही ईदगाह जाना चाहती थी, मेरी कृष्ण जन्मभूमि, मेरे कान्हा को जन्मभूमि, मूल जन्मभूमि की मांग करना चाहती थी। एएसआई सर्वे को जो रोका गया है, क्यों रोका गया है उसकी बात करना चाहती थी, मगर आज मुझे यही रोक लिया गया कि भाई नहीं, आप नहीं जा सकती हैं, A144 की धारा लागू हो चुकी है। ज्ञानवापी मामले में अखिल भारतीय संत समिति की एंट्री हो गई है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने ज्ञानवापी प्रकरण में एएसआई की रिपोर्ट का स्वागत किया। ज्ञानवापी की मुक्ति के लिए रिपोर्ट के आधार पर रणनीति बनाने के लिए बड़ी बैठक का ऐलान कर दिया गया है, जो कि मुंबई में आयोजित की जा रही है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने ज्ञानवापी मुक्ति तक अन्न का त्याग कर दिया है। ये हमारी वार्षिक बैठक है, परंतु देश के सभी श्रेष्ठ संत जो केंद्रीय टोली के सदस्य हैं और राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री हैं, वो सभी पूज्य संत मुंबई में बैठेंगे 2 और 3 मार्च को। और अब तक के ज्ञानवापी के प्रकरण में हुई प्रगति के बारे में हम सभी विचार करेंगे। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का